हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ऐसे चार स्टॉक की जो आने वाले समय का एक तरह से महा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, और साथ में यहां पे अभी के टाइम पे लोएस्ट प्राइस पे और एक तरह से अगर हम देखें अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये स्टॉक अंडर वैल्यूड कैसे है और यहां पे स्टॉक आने वाले समय में अपसाइड कैसे दिखाएगा, ये सारी चीजें हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें एक शॉर्ट में, अगर मैं आपको सारी चीजें दिखा दूं यहाँ पे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसी स्टॉक की। सपोज दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक का पी मात्र 2.29 पे देखने को मिल रहा है, तो इतना लोएस्ट पी है कंपनी का। अगर आरओसी की अगर हम बात करें तो 68% आरओई की बात करो तो 101% आपको देखने को मिल रहा है। मैं पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट में ये सब सारी चीजें भी पहले देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरी स्टॉक जो मैं यहाँ पे रखा हूँ, जिसका स्टॉक पी 5.38 पे देखने को मिल रहा है और आरओसी 88% और आरओई 98% पे देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू से भी स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा स्टॉक अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी जो पी है 3.94 पे देखने को मिल रहा है और आरओसी 23% और आरओई अगर हम बात करें तो 19% पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो एक तरह से चौथा जो स्टॉक है, इसका स्टॉक का पी 3.18 पे देखने को मिल रहा है, आरओसी 18% और आरओई की बात करें तो 18%। तो ये सब सारी चीजें, इसके बहुत सारे मैं बताऊंगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट कंपनी ये सब सारी डेप्ट फ्री कर सकते हैं, वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं। इनके पास अच्छी खासी रिजर्व्स रखा हुआ, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे ये स्टॉक आने वाले में मल्टीबैगर स्टॉक कैसे बनेगा, ये सब सारी चीजें, पूरी स्टॉक का नाम भी आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक और बेस्ट स्टॉक टू बाय इन द अंडर वैल्यूड कह सकते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पहला स्टॉक कौन सा है और इसमें मैं इसको क्यों रखा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला स्टॉक मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे एक तरह से जो देख रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है मात्र 189 करोड़ का है, तो पेनी स्टॉक कह सकते हैं ये स्टॉक को। और यहाँ पे अभी के टाइम पे इसका प्राइस अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइस है जो करेंट प्राइस 150 रुपया पे देखने को मिल रहा है। 189 करोड़ यहाँ पे इनका मार्केट कैप है, यानी माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, एसएमई की कंपनी है बेसिकली। और यहाँ पे इस स्टॉक के पी 3.18 पे है। बुक वैल्यू देखें तो 284 रुपया का इसका बुक वैल्यू ही है। तो एक सबसे पहले यहाँ पे बुक वैल्यू से इसकी प्राइस कम है दोस्तों, तो यहाँ पे बुक वैल्यू से भी इसकी प्राइस कम है, प्लस ये कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद भी डिविडेंड बहुत तगड़ा देती है, 1.99% का डिविडेंड भी आपको पे करती है दोस्तों। इस कंपनी के आरओसीई की बात करें तो 18% से ज्यादा है, जो एक बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी 18% से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, और फेस वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 रुपया का देखने को मिल रहा है। तो फेस वैल्यू भी काफी अच्छा है कंपनी का, 10 रुपया का फेस वैल्यू। तो फ्यूचर चल के यहाँ पे फ्यूचर में कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट भी करती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की आगे, तो यहाँ पे जो आगे चीजें देखने को मिलेगा, इनके पास डेप टू इक्विटी देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी, क्योंकि यहाँ पे 0.24 यहाँ पे परसेंट डेप टू इक्विटी देखने को मिल रहा है। ईपीएस 47.30 रुपया की जनरेट करती है। सोचिए कि जिसकी प्राइस 150 रुपया और 47 रुपया ईपीएस बना रही है, और यहाँ पे ये कंपनी बेसिकली यहाँ पे अभी के टाइम पे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। डेप्ट देखोगे तो 84 करोड़ का देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 45% है। तो अच्छी खासी यहाँ पे इतनी छोटी कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 45% का प्रमोटर होल्डिंग, प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सब सारी चीजें पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ये 50% प्रमोटर की होल्डिंग होता तो और बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है दोस्तों। इंडस्ट्री की पी अगर आप देखोगे तो इसका 23 का यहाँ पे इंडस्ट्री पी है, और इसका पी कितना पे तो 3 से, तो इंडस्ट्री के पी पे भी जाता है तो 10 टाइम्स रिटर्न आपको यहाँ पे फिक्स है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के रिजर्व 344 करोड़ का देखने को मिल रहा है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 86% का है, तो बहुत तगड़ा यहाँ पे 86% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे FIS की होल्डिंग इतनी 189 करोड़ की कंपनी में, कौन सी कंपनी में आपने देखा होगा कि FIS और DIC इतनी अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं। FIS यहाँ पे देखिए 3.30% की होल्डिंग FIS रखे हुए है, DIS की बात करें 0.20% की होल्डिंग DIS रखे हुए है। ग्राहम नंबर प्राइस कितना दिया गया है, 550 रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए और अभी कितना है, 150 रुपया इसका प्राइस देखने को मिल रहा है आपको। पेट्रोस की स्कोर 7 की रेटिंग दिया गया है। तो ये सारे नंबर देखने से इतना तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि आने वाले समय में बहुत जल्द यह स्टॉक डबल होने वाला है। इसी तरीके के 3 और स्टॉक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और यहाँ पे स्टॉक का नाम क्या है उस स्टॉक का नाम भी बहुत जरूरी जानना होता है, तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी का नाम है बेसिकली LKP फाइनेंस लिमिटेड, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो दोस्तों ये पहली कंपनी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे 150 रुपये इसका प्राइस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, LKP फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी है, इसको आप सर्च करके आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंड नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी कौन सा है और इसके बारे में बात करते हैं। ये भी एक तरह से पेनी स्टॉक ही है, और इस कंपनी का जो पी आपको देखने को मिलेगा ये भी 3.94 पे है। इसका पी आप देखोगे 3.94 पे है, और बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 42 रुपये का बुक वैल्यू देखने को मिलता है दोस्तों। तो बहुत तगड़ा यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट कैप बहुत छोटी बहुत छोटी। आप देखिए 4,49,00,000 का मात्र कंपनी है, महापेनी स्टॉक कह सकते हैं इस स्टॉक को। करेंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 16,50 रुपये का मात्र यहाँ पे करेंट प्राइस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक की बुक वैल्यू तो काफी अच्छी है, डिविडेंड नहीं देती, लेकिन कंपनी का ROC और ROE अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी तो ये काफी अच्छा है, 23%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है, फेस वैल्यू 10 रुपया का, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है, जितना इनका मार्केट कैप नहीं है उससे ज्यादा इनका कई गुना सेल्स ग्रोथ है, 13 करोड़ का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू से यहाँ पे स्टॉक बहुत नीचे 0.39 प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे 4.19 रुपया का यहाँ पे EPS जनरेट करती है कंपनी, और मात्र 16 रुपया इसका प्राइस है। डेप्ट कंपनी को ऊपर 0 है, तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, तो रिस्क यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन एक बड़ी यहाँ पे निगेटिव पॉइंट भी है कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे नहीं है, 0% की प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेजिंग परसेंटेज भी 0% का है, और यहाँ पे इंडस्ट्री के पी 34 का है। तो इंडस्ट्री का पी तक अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप सोचिए 3 का है, और यहाँ पे इंडस्ट्री पी पे जाता है तो कितना हो सकता है रिटर्न, बहुत तगड़ा रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो रिजर्व्स की बात करें तो इनके पास 8.73 करोड़ रिजर्व्स है, जितनी इनकी मार्केट कैप नहीं है उससे ज्यादा, इसका डबल से भी ज्यादा एक तरह से इनके पास रिजर्व्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे RSI यहाँ पे 87 पे FIS की अच्छी खासी हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। इतनी छोटी स्टॉक के अंदर FIS 22% की होल्डिंग रखे हुए है, तो बड़ी हिस्सेदारी है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 7 पे यहाँ पे पेट्रोस की स्कोर देखने को मिल रहा है। ग्राहम नंबर प्राइस की बात करें तो 63 रुपया इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा स्टॉक एक तरह से पूरी जिंदगी में एक दो बार ही मिलता है दोस्तों, हमेशा नहीं मिलता है ऐसे स्टॉक जो इतनी सारी चीजें अच्छी है यहाँ पे, एक्सेप्ट अगर हम प्रमोटर होल्डिंग को छोड़ दें तो दोस्तों। ये दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड करके, कंपनी का नाम है मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विसेज में काम करती है, एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है कंपनी। तो यहाँ पे ये दूसरा नंबर का कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे थर्ड नंबर की कंपनी पे भी बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाला वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर की जो कंपनी है जिसका स्टॉक का पी आपको देखने को मिल रहा है 5.38 पे, तो ये भी बहुत अच्छे लेवल के पी पे देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें
तो ₹5.18 का बुक वैल्यू है, डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.01% की। तो ये भी एक तरह से माइक्रो स्मॉल कैप की ही कंपनी है। और यहाँ पे कंपनी का आरओसी देखो तो यहाँ पे 88% का, आरओई की अगर हम बात करें तो 98% का देखने को मिलता है कंपनी का। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा है कंपनी का। लेकिन मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 1861 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे इस कंपनी की, तो फेस वैल्यू ₹1 का और यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी 0.08 का है, यानी ऑलमोस्ट वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है ये भी। यहाँ पे ईपीएस ₹3.26 जनरेट करती है। और इसकी करेंट प्राइस अगर आप देखोगे तो कितना है, करेंट प्राइस आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेंट प्राइस ₹17.50 का मात्र शेयर है, ₹17.50 का शेयर है और ₹3 का एक तरह से ईपीएस जनरेट कर रही है। यहाँ पे डेप्ट देखे तो 46.60 करोड़ का है और इनके पास रिजर्व्स बहुत अच्छा है दोस्तों। रिजर्व्स की बात करें 448 करोड़ का रिजर्व्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है कंपनी के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी की एक प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, 48.4% की होल्डिंग प्रमोटर के यहाँ पे होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के आरएसआई के 50 पे आरएसआई देखने को मिल रहा है। एफआईएस की होल्डिंग 5.02% का यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस इतनी छोटी कंपनियों के अंदर एंट्री नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री। ग्राम नंबर प्राइस से भी इसका शेयर प्राइस अभी भी नीचे है 17 के प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे ग्राम नंबर प्राइस है जो ₹19.50 का देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे अच्छी है, 5 की रेटिंग दिया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली तीसरी जो कंपनी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी कौन सा है। और इसका नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, 1981 में एस्टेब्लिश हुई, जो प्रोसेसिंग ऑफ राइस व्हीट ये सब सारी चीजों से रिलेटेड काम करती है। और यहाँ पे पैकेजिंग एक तरह से पैकेजिंग ऑफ फास्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिजनेस इनका। तो बासमती राइस गुड्स, कंज्यूमर गुड्स से सेलिंग, पल्सेस, साल्ट, ये सब सारी चीजें से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। मिष्ठान फूड्स लिमिटेड कंपनी का तीसरा कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इन सारी कंपनियों में किसमें आपको मल्टीबैगर यहाँ पे गेन करना है, किसमें मल्टीबैगर यहाँ पे एक तरह से आपको वेल्थ क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इन कंपनियों में आपको जो अच्छा लगता है उसको आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट कंपनी, फोर्थ नंबर की कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर की कंपनी का जो स्टॉक का पी है 2.29 पे, सबसे लोएस्ट पी पे आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 2.29 पे सबसे लोएस्ट पी, यानी मतलब ₹1 आपको कमाने के लिए ₹2.29 मात्र आपको लगाना पड़ेगा और ₹1 आप कमा लोगे। मार्केट कैप अगर हम बात करें 540 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस मात्र ₹45 है और यहाँ पे बुक वैल्यू देखें तो ₹29.30 का है। तो ₹29 से बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं है। यहाँ पे डिविडेंड नहीं देती कंपनी, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा है कंपनी का, 68% रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 101%। तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक एक तरह से आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 0.53% यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी। ईपीएस ₹19.50 का जनरेट करती है, ₹19.50 मतलब ₹45 का शेयर और ₹19.50 पर शेयर यहाँ पे मतलब अर्निंग करती है दोस्तों। डेप्ट 188 करोड़ का है और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा, बड़ी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 50% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग भी है दोस्तों। यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज एक यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट है कि यहाँ पे 10% से ज्यादा यहाँ पे स्टॉक है जो प्लेज्ड है, प्रमोटर का शेयर है जो गिरमी रखा हुआ है। इंडस्ट्री के पी 33 पे देखने को मिल रहा है इस कंपनी का और इंडस्ट्री के पी से इसका पी बहुत नीचे, 2 के पी पे अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री पी 33 पे, यानी मतलब यहां से अगर अपने पी पे भी जाता है तो यहां पे 15% 16% रिटर्न तो आपको दे ही देगा। यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों रिजर्व्स की, तो रिजर्व 340 करोड़ का शानदार कंपनी के पास रिजर्व्स रखा हुआ है, तो इनके पास पर्याप्त रिजर्व्स भी है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 41% का मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे आरएसआई काफी ज्यादा बुलिश है
और यहाँ पे FIS की और DIS की, ये दोनों की होल्डिंग इतनी छोटी कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। FIS की होल्डिंग 1.89%, DIS की जो होल्डिंग है 0.52% की देखने को मिल रहा है। पे रेशियो 0.01 पे और ग्राहम नंबर प्राइस 113 रुपया देखने को मिल रहा है। दोस्तों ग्राहम नंबर प्राइस 113 रुपया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम पे 45 रुपया भी मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर देखें तो 7 की रेटिंग दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फंडामेंटली एक तरह से आप स्ट्रॉन्ग, एक तरह से अंडर वैल्यूड स्टॉक, ये चारों स्टॉक को मैंने बताया और फ्यूचर का मल्टीवैगर कह सकते हैं इस स्टॉक को, और पेनी स्टॉक भी है, इस चीज का भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, और इन चारों स्टॉक में अगर आपको जो अच्छा लग रहा है आप अपने एनालिसिस से या अपने फिनेंशियल एडवाइजर के कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चौथी कंपनी है उसका नाम भी बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी ये सारी जानकारी मिल पाए। और यहाँ पे चौथा जो कंपनी है दोस्तों विपुल लिमिटेड, कंपनी का नाम है विपुल लिमिटेड। दोस्तों बिल्कुल हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करती है और 1991 से काम कर रही है विपुल लिमिटेड, जो यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं इसी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। और इन सारी कंपनियों में काफी ज्यादा तेजी भी देखने को मिल रहा था आपको, काफी समय से यहाँ पे इन स्टॉक पे एक साल के अंदर अंदर कम से कम 5 से 10 गुना यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है इन सारे स्टॉक के ऊपर। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।